हेलो एवरीवन, आई एम महेंद्र सिंह चौहान एंड यू आर वाचिंग सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बजट के सेशन के दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन पर वो तमाम प्रश्नों पर चर्चा की गई है जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही बजट की एक बेसिक समझ देने की कोशिश की गई है। बजट में हमने पहले ही आपको कहा था कि 3 से 4 वीडियो आपको बजट में देखने को मिलेंगे और इस बजट के 3 से 4 वीडियो आपके आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आज ये तीसरा वीडियो होगा इस सेशन का और इसमें हम बात करेंगे स्टेट की जो भी मेडिकल, एजुकेशनल और जो सोशल सिक्योरिटी की जो बातें होती है उस पर चर्चा करेंगे। जो भी घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उस पर भी हम पूरा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद हम इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अब देखते हैं कि आज का जो सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये जो सेशन है वो राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की बात करेगा जो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं कि सबसे बड़ी योजना के रूप में एक योजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये निःशुल्क इलाज की जो पहल है, एक मॉडल योजना के रूप में देखने को मिल रही है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक मॉडल स्कीम के रूप में से देखा जा रहा है। हालांकि 2 सालों से बहुत ही कंटेम्प्रेरी बनी हुई है योजना। 1 मई 2021 को लॉन्च की गई थी, जहाँ पर पहली बार 5 लाख रुपये से इसको हम शुरुआत की थी, जहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि निःशुल्क इलाज की 5 लाख की लिमिट थी। वो बढ़ के 2022 में इन्होंने 10 लाख कर दी थी लिमिट्स और काफ़ी फैसिलिटी बढ़ा दी थी। और 2023-24 के बजट में हम देखते हैं कि अब ये 25 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी देती है। साथ ही यहाँ पर 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, सर्जरी होगी जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी, और ये इसके दायरे में आ चुकी है जो पहले इसके दायरे में नहीं थी। हालांकि कई निजी अस्पतालों को इससे आपत्ति है, यह एक अलग विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है कि इस बजट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत बड़ा रूप लेके आई है। लगभग ये स्वास्थ्य बीमा पर या शिक्षा पर हम बात करें, काफ़ी बड़ा व्यय करने वाले हैं। स्वास्थ्य पर ही हम बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 15,000 करोड़ का व्यय यहाँ प्रावधान किया गया है इस घोषणा में। और इसमें आयुष सहित बात की गई है, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष सहित बात की गई है। और यहाँ पर 2100 करोड़ का बहुत बड़ा व्यय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए आप, 2100 करोड़ का बहुत बड़ा व्यय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ मेडिकल कॉलेज खुलने की बात की गई है, जिसमें प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में लगभग 1000 करोड़ तक का व्यय किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को निवेश किया जाएगा, उसको ओपन करने के लिए ये लागत लगेगी, उस पर ये खर्चा किया जाएगा। साथ ही बात करें जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी बात की है और ये 500 करोड़ का इस पर व्यय किया जाएगा जोधपुर में। ये भी याद रखें, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है इस बजट घोषणा में। साथ ही 500 करोड़ का इसमें व्यय करने की बात की गई है। आगे और भी खबरों में बना रहेगा, अभी तो केवल घोषणाएं हुई हैं, ये इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं में इसे पढ़ते रहेंगे। तो आपके लिए एक बेसिक समझ ये है कि ये बजट घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा जब सरकार के बजट में की जाती है तो उस पर एक प्रक्रिया के तहत काम होता है। उस काम के तहत फिर हम इसे खबरों में देखते रहेंगे, उसमें इस मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटन होगा, तमाम बातें जो होगी, जो सरकारी काम है वो आगे होते रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि जो मेडिकल कॉलेज है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में खोली जाएगी, एक और प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि न्यूरो साइंस सेंटर खोला जाएगा कोटा में। इसकी न्यूरो के क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, हम पहले ही देखते हैं कि न्यूरो की आज बहुत कमी है, न्यूरोलॉजिस्ट की भी काफ़ी कमी है राजस्थान जैसे क्षेत्र में, क्योंकि बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला जो राजस्थान है वो न्यूरो के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसके लिए एक बड़ी पहल के रूप में देखने को मिलेगा आपको, न्यूरो सेंटर कोटा में खोला जाएगा। उदयपुर का एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल के क्षेत्र में, उसमें मातृ विज्ञान संस्था और सेंटर फॉर एक्सीलेंस सिकल सेल डिजीज़ के लिए भी काम होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं कि उदयपुर में आपको देखने मिलेगा RNT मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर सेंटर ऑफ
एक्सलेंस सिकल सेल डिजीज और मातृ विज्ञान संस्था यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही कोटा में न्यूरो साइंस सेंटर भी देखने को मिलेगा। ये हाईलाइट से इस पर प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, जो जो हाईलाइट मैंने आपके लिए किए हैं, जिस पर आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे की पूरी संभावना देखने को मिलती है। पंचकर्म के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार काम कर रही है, क्योंकि आयुष से संबंधित होने के कारण, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेंटर की पॉलिसी है आयुर्वेद को प्रमोट करने की, उसमें कहीं ना कहीं पंचकर्म एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो चाकसू जयपुर में सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पंचकर्मा खुलेगा। नादवरा राजस्थान में आयुर्वेद और योग के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को एक कॉलेज खोलेगी, वो इंटीग्रेटेड रूप से खुलेगी ये नादवरा राजस्थान में, और सभी ब्लॉक्स लेवल पर भी होम्योपैथी को प्रमोट करने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात हमें यहाँ देखने को मिलेगी मेडिकल के क्षेत्र में, जो चिरंजीवी योजना है वो बहुत बड़ी योजना के रूप में उभर कर आई है। लगभग 2100 करोड़ की योजना है, इसे याद रखें आप, लगभग 2100 करोड़ का मतलब इस पर खर्च किया जाएगा इस बार। तो इस योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च होने वाला है चिरंजीवी में। एक इंदिरा रसोई पर भी काफ़ी अच्छा हमें रिव्यू देखने मिले हैं बाहर के राज्यों द्वारा, और अभी राजस्थान सरकार ने इससे केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रखा है, इसे अब राजस्थान सरकार गांवों तक भी पहुंचाने जा रही है। बहुत ही सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध कराने की बात है इंदिरा रसोई योजना की संकल्पना है। अब इंदिरा रसोई योजना कब अस्तित्व में आई ये आपको जानना जरूरी होगा। देखो 20 अक्टूबर 2020 को पहली बार इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी पूरे राजस्थान में, जहां ₹5 में भरपेट नाश्ता और ₹8 में भरपेट खाना अचार के साथ देने की ये व्यवस्था और किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलती, जो राजस्थान में देखने को मिली है। और इसका जो संकल्प वाक्य था वो कोई भूखा न सोए, याद रखें स्टेट गवर्नमेंट का जो संकल्प वाक्य था इंदिरा रसोई को लेकर वो यह था कि कोई भी भूखा नहीं सोए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अपनी पेट बनाने वाली है, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ता भोजन मिल पाएगा। कुछ और योजनाएं जो सामाजिक कल्याण के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें हम बात करें कि महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम, जो वेजेस पे बात की गई है, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना है, जो वेजेस जो प्राप्त होगा, जो आमदनी प्राप्त होगी, उस पर बात की गई है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना में अब 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी देने की बात भी इस बजट में की गई है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं इंदिरा गांधी योजना है अब ग्रामों तक अपना पेट बढ़ाने वाली है, और यहाँ से 700 करोड़ रुपये की वार्षिक खर्च की लागत आने की संभावना हमें देखने को मिल रही है। एसटीएससी कोर्स पर ऑलरेडी यहाँ पर देखा गया है कि 1000 करोड़ का कोष बनाया गया है। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस तमाम जो अल्पसंख्यक विकास कोष में भी 202 करोड़ का ये कोष होगा। वाल्मीकि कोष यहाँ पर बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, कि जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहीं खुलने की बात की गई है तो जोधपुर शहर में की गई है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें कि जो जोधपुर में ऑलरेडी हमने देखा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, इस बजट में 500 करोड़ की होगी, और यहाँ पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात भी कही गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जोधपुर इस बार खबरों में, क्योंकि जयपुर से ज़्यादा घोषणा जिस बार की गई वो जोधपुर के लिए की गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना दिखता है। साथ ही हम बात करते हैं कि उदयपुर में हमने पहले ही देखा कि जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर मातृ विज्ञान संस्था और सेंटर ऑफ एक्सलेंस सिकल सेल डिजीज की भी बात कही गई है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो कोरोना में जो भी लोग जान गंवा चुके हैं, जिसके माता पिता और जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनको भी अब सरकारी नौकरी देने की बात इस बजट घोषणा में की है, जो एक बेहतरीन कदम है और उन अनाथ बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि समाज में उनके लिए एक स्थान आरक्षित किया है सरकार ने, और समाज में उन्हें बिल्कुल वो जगह मिलेगी जो एक प्रतिष्ठित जगह के रूप में सरकारी सेवा को देखा जाता है। तो ये एक अच्छा कदम होगा राजस्थान सरकार का। इस बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च करने की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा पर हुआ है, लगभग 19,294 करोड़ रुपये का यहाँ खर्च देखने को मिलता है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पर लगभग 12,000 करोड़ और 12,712 करोड़ का, और फिर इसके बाद मिड डे मील को जहाँ 2,203 करोड़ का खर्च देखने को मिला। इस तरह से क्रम जरूर याद रखें, प्रश्न पूछ सकता है परीक्षाओं में, एक कई बार परीक्षा में क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा के क्षेत्र में किस शिक्षा पर किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा पर किया गया है, उसके बाद कोई क्रम पूछे तो माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद मिड डे मील पर खर्च किया गया है। तदउपरांत हम बात करें उसके बाद उच्च शिक्षा पर खर्च किया गया 1,101 करोड़ का, और उसके बाद कोई खर्च ज़्यादा हमें दिखता है तो खेल और
युवा कल्याण पर देखने को मिलता है। उसके बाद तकनीकी शिक्षा पर 115.42 करोड़ देखने को मिलता है, और यहाँ संस्कृत शिक्षा पर 173 पॉइंट समथिंग कोई करोड़ रुपये हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, फिर माध्यमिक शिक्षा पर, उसके बाद मिड डे मील पर, और तत्पश्चात हम बात करेंगे उच्च शिक्षा पर। अब मॉडल स्कूल की काफ़ी लंबे समय से बात की जा रही है। 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे और प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की बात की गई है। राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित करने की बात की है। इस पर 560 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जरूर याद लिखें और इसको आप याद रखें, आने वाली तमाम परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। देखिए, बांसवाड़ा में तो फुटबॉल एकेडमी खुलेगी, इस बजट में ये बात की गई है। साथ ही इस बजट में बात की गई है कि बीकानेर में साइकिलिंग और भिलोड़ा में कुश्ती, राजगढ़ में एथलेटिक्स और बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल एकेडमी खुलेगी। तो फिर से इसे रिकैप कर लीजिए, कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में तो फुटबॉल एकेडमी खुलेगी, तीरंदाज एकेडमी कहाँ है, वो है उदयपुर में, और कोलिडा, सीकर में और बांसवाड़ा में फुटबॉल एकेडमी, बीकानेर में साइकिलिंग एकेडमी, भिलोड़ा में कुश्ती एकेडमी, राजगढ़ चूड़ू में एथलेटिक्स के लिए, और बाड़मेर सीकर में बास्केटबॉल एकेडमी और फुटबॉल एकेडमी बांसवाड़ा में। इस तरह से ये एकेडमी जो खुलेगी आने वाले तमाम उसको हम देख सकेंगे। बैतूल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी एक घोषणा है, स्टेडियम बनेंगे। तो तमाम बातें जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ वो आपको बता चुका हूँ। और भी ये बातें हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि परीक्षाओं में और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आप अपने हिसाब से तैयार करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके आपको बता दी है। साथ ही यहाँ देखो, प्रशासनिक व्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब साइबर सिक्योरिटी पर हमारे बजट का 5% खर्च करने की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि साइबर से जो अपराध हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हम 5% तक का बजट का जो खर्च है वो साइबर सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे। साथ ही हम पहले से बात की जा रही है राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की, वो बनेगा यहाँ पर, इस बजट में बात की गई है। साथ ही यहाँ पर नवीनतम तकनीकी पर आधारित राजकाज 2.0 व्यवस्था विकसित होगी, और डाटा स्टोरेज के लिए सेंट्रलाइज डाटा लेक बनेगी, और एक नया कॉरपोरेशन गठन करने की बात की गई है, उसका नाम है राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। इसका गठन भी यहाँ पर बजट में हमें देखने को मिला है। अब जो बोर्ड निगम स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्मिक हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ भी मिलेगा। तो तमाम बातें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी यहाँ से बन सकता है कि अजमेर, कोटा में और भरतपुर और बीकानेर, उदयपुर में आर्केड सेंटर खुलेंगे। तो इस बजट की तमाम बातें जिस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना दिखी जा रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो अंतिम वीडियो होगा इस बजट का, और बजट में जो भी बातें हैं, जो बजट का सार है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक अंतिम वीडियो में भी मैं आपको सार बताने की कोशिश करूँगा, और तमाम बजट की बातें खत्म हो जाएगी। तो एक अंतिम वीडियो आपको कल तक उपलब्ध हो जाएगा, और 4 वीडियो आप जरूर देखें। इसके बाद बजट के कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा मैं, जो आने वाले परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आर्थिक समीक्षा पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।